तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अनयूज ऐप सेटिंग वाले ऑप्शन को कैसे आप अपने डिवाइस में इनेबल कर सकते हैं, कैसे ये वर्क कर रहा है, टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं अनयूज ऐप्स लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 महीने से 2 एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, तो इसको डिलीट करने का परमिशन मंगा जा रहा है कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में परमिशन को अलाउ कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा है 6 महीने से यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी आपको डिलीट वाला ऑप्शन देखने मिल रहा है। नीचे में नोटिफिकेशन बताया जा रहा है इफ़ एनी ऐप्स यूज फॉर फ्यू मंथ, क्यूज मंथ अगर यूज नहीं करता हूं तो उसके परमिशन को ये रिमूव कर देता है, नोटिफिकेशन को रिमूव कर देता है और टेम्पररी जितने भी फाइल होते हैं उसको ये रिमूव कर देता है। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करें तो सभी को रिमूव कर देता है, और इस परमिशन को रिमूव करने के बाद अगर इसको फिर से अलाउ करना चाहते हैं तो परमिशन को अलाउ कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन फिर से वर्क करना चालू कर देगा। तो ये फीचर इस प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। तो ये फीचर को कैसे इनेबल किया जाता है टोटल चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना हूँ जो एप्लीकेशन यहाँ पे रिमूव हो चुका है उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाऊंगा। तो जैसे आपने देखा था गूगल पे देखने मिल रहा था 3 महीने से इसका परमिशन रिमूव हो चुका है, तो इसमें क्या करना है, इस पर टैप करना है। टैप करने बाद ऐप्स इंफॉर्मेशन में जाना है, और ऐप्स इंफॉर्मेशन में जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऊपर में देखने को मिलेगा ऐप्स परमिशन का, ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद देखिए अलाउ में कोई भी परमिशन यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है और ये परमिशन आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा रिमूव परमिशन एंड फ्री अप स्पेस, अगर ये ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं और उस एप्लीकेशन को 3 महीने या 6 महीने तक यूज़ नहीं कीजिएगा तो जितने परमिशन वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट योर डाटा परमिशन फॉर दिस एप्स विल बी रिमूव इन दिस एप्स अनयूज फॉर ए फ्यू मंथ। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, इसलिए जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी में इस परमिशन को आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कीजिएगा तो जो भी परमिशन है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद आपका बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता है। देखिए ये ओपरा मिनी है, इसका 6 महीने हो चुका था, इसका भी परमिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव वाला ऑप्शन इनेबल किया हुआ है और सभी परमिशन यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इनेबल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे देखने मिलता है, तो सेटिंग में आप जब जाइएगा तो ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाते हैं, और ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो मैनेज ऐप्स वाला ऑप्शन देखने मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर परमिशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद सेकेंड नंबर में जो परमिशन वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल रहा है इस पर जैसे टैप कीजिएगा तो ऊपर में ही नोटिफिकेशन देखने मिलेगा अनयूज ऐप्स का कि कौन कौन सा एप्लीकेशन का आपका परमिशन यहाँ पे रिमूव हो चुका है। बाकी अगर आपको यहाँ पे परमिशन को चेक करना है, स्पेशल परमिशन को चेक करना है किस एप्लीकेशन को क्या परमिशन दिया है, तो वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो सिस्टम ऐप्स का भी ऑप्शन देखने मिलता है, सिस्टम ऐप्स का कौन सा परमिशन दिया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।